में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। 15 दिनों से मुंबई में दोनों शूटर मौजूद थे। लॉरेंस बिश्नोई से अब पुलिस जो है वो पूछताछ कर सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। तो सलमान के घर पर फायरिंग के मामले में जो गोलियां चली थी, देखिए ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और सलमान के घर के बाहर जहां गोलियां चली, वहां पर पुलिस ने निशान लगाकर और उसकी तस्वीरें और तमाम छानबीन की थी। 15 लोगों की पुलिस ने टीम भी इस पूरे मामले की जांच के लिए बनाई थी। और इस मामले में बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। सलमान के घर पर फायरिंग के मामले में बड़ी खबर यह है कि दोनों मुख्य आरोपी जो हैं इनकी पहचान कर ली गई है, यानी कि जिन्होंने गोली चलाई है उनकी पहचान हो चुकी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि 15 दिनों से ये दोनों शूटर मुंबई में ही थे, यानी कि इनको जो टास्क दिया था, रेकी कर रहे होंगे या क्या कर रहे थे, 15 दिन से रुके हुए थे। तो इससे ये पता चलता है कि तैयारी बहुत पहले से, प्लानिंग बहुत पहले से थी। लॉरेंस बिश्नोई से भी इस मामले में पुलिस पूछताछ कर सकती है। गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है और पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच के लिए 15 सदस्यीय एक टीम कमिटी जांच टीम पुलिस की तरफ से बनाई गई है। और बड़ी खबर की करते हैं बात। जबलपुर, जिसे संस्कारधारी भी कहा जाता है, वहां पर पुलिस पर रंगदारी मांगने के आरोप लगे हैं। हालांकि जबलपुर की पुलिस के ऊपर आरोप लगने का मामला नया नहीं है। जबलपुर की पुलिस हमेशा आरोपों से घिरी रहती है, लेकिन पुलिस पर यहां रंगदारी मांगने के आरोप लगे हैं और इसके सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए गए हैं कि पुलिसकर्मियों की करतूत जरा देख लीजिए। दुकानदार ने 20,000 रुपए मांगने के आरोप लगाए कि 20,000 रुपए पुलिस के द्वारा मांगे गए और नहीं दिए गए, तो फिर क्या किया गया? ये तस्वीरों से तो साफ नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी जो हैं कमर में पिस्तौल लगाए साहब जो हैं आते हैं अचानक से और दुकान पर लात मार के पूरा सामान जो है उसे बर्बाद कर देते हैं। एसपी कार्यालय पीड़ित पहुंचा है दुकानदार, हंगामा करने, तोड़फोड़ करने का सीसीटीवी सौंप दिया गया है। अब पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।